नमस्कार, मैं मीनू कुकार किड मीनू में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे होममेड ब्रेड। घर पर ही हम बिल्कुल फ्रेश ब्रेड बनाएंगे, वो भी कढ़ाई में। आपने बिल्कुल ठीक सुना, हम आज ब्रेड कढ़ाई में बनाएंगे। वैसे तो ब्रेड ज़्यादा महंगी नहीं मिलती है, लेकिन हम जो बाहर से चीज़ खा रहे हैं उसमें क्या मिला हुआ है क्या नहीं, ये हमें नहीं पता होता। लेकिन जो ब्रेड हम घर पर बनाएंगे उसका हमें पता है कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली है, और ये आपके बच्चों के लिए और फैमिली के लिए हेल्दी भी होगी और टेस्टी भी होगी। मैं आपको बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट वाइट ब्रेड बनाना सिखाऊंगी। देखिए, आप पास्ते भी देख सकते हैं कि हमारी ब्रेड कितनी अच्छी बनी है। तो चलिए अपनी ब्रेड की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में एक कप गरम दूध लेंगे। हम ज़्यादा गरम दूध नहीं लेंगे, थोड़ा सा निवायक दूध लेंगे जिसमें हम अपनी उंगली तक डिप कर सकें। फिर हम इसमें 1.5 चम्मच चीनी डालकर उसको मिक्स कर देंगे। हम अपनी चीनी को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम दूध में 1.5 चम्मच ड्राई इंस्टेंट ईस्ट डालेंगे, जो हमें नॉर्मली किसी भी परचूने की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। हमने इसमें 1.5 चम्मच ईस्ट डाल दिया है। अब हम इसे मिक्स करके 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। देखिए, हमारा ईस्ट अच्छे से फूल गया है। इसमें बबल्स भी बहुत अच्छे से आ गए हैं। आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे छोटे छोटे बबल्स आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि यह है बिल्कुल परफेक्ट ब्रेड बनाने के लिए रेडी हो गया है। अब हम 2.5 कप मैदा लेंगे। मैदे को हमने छान लिया है। अगर हम नाप कर लेंगे तो ये 300 ग्राम मैदा है। मैदे में हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डाल देंगे। उसके बाद हम जो हमारा दूध है जिसमें हमने इंस्टेंट ड्राई ईस्ट डाला हुआ था, वो भी हम धीरे धीरे करके मैदे के अंदर डाल देंगे और एकदम सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो ये ज़्यादा पतला आटा हो जाएगा। इसे हमें बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूंदना है जिससे हमारी बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छी ब्रेड बन सके। देखिए, हमारा जो डो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट तरीके से गूंद गया है। अब हम प्लेटफॉर्म पर 2 चम्मच ऑयल डालकर अपना जो डो है उसको उस पर डाल देंगे। अब हम इसको प्लेटफॉर्म पर डालकर स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड से, मतलब खींचो और मोड़ो, खींचो और मोड़ो, इस मेथड से 10 से 15 मिनट तक इसको दोहराते रहेंगे जिससे कि हमारा डो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। बीच बीच में हम 1-2 चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल या घी डालेंगे और दोबारा से उसी मेथड से खींचेंगे और फोल्ड करेंगे। जितनी बार हम इसमें घी डालेंगे उतना ही हमारा जो आटा है, डो है, वो सॉफ्ट होता चला जाएगा और नीचे भी चिपकना बंद कर देगा। हमें 3 से 4 बार बीच बीच में 1-1 चम्मच करके रिफाइंड या घी डालते रहना है। देखिए, हमारा जो डो है बिल्कुल चिकना हो गया है। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें अच्छे से ऑयल या घी लगा के उसे ग्रीस कर लेंगे
और फिर अपने डो को नीचे की तरफ फोल्ड करके अच्छे से उसे राउंड शेप में कर लेंगे और फिर उसे अपने जो बाउल है जो हमने ग्रीस किया है उसमें उसको रख देंगे। बाउल में रखने के बाद हम इसे ऊपर से अच्छे से ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने के बाद हम किसी भी रैपिंग पेपर से इसको कवर करके रख देंगे और ऊपर से किसी स्टील या कोई भी प्लेट किसी भी तरह की प्लेट से इसको कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छे से डबल हो जाए। हमें इसे किसी गर्म जगह पर रखना है जिससे कि ये अच्छे से फूल जाए और इसका साइज़ जो अभी है उससे ये बिल्कुल डबल हो जाए। और अगर थोड़ा ठंडा मौसम है तो हम इसे किसी अलमारी के अंदर या आटे के अंदर भी रख सकते हैं जिससे इसे गर्मी मिले और इसका साइज़ आसानी से डबल हो जाए। अब हम इसको किसी प्लेट से ढक देंगे और एक घंटे के लिए गर्म जगह पर छोड़ देंगे। एक घंटा हो गया है, देखिए आप जरा इसका साइज बिल्कुल पहले वाले डो से डबल हो गया है। आप देख सकते हैं पहले ये कैसा था और अब ये कैसा हो गया है। इसका साइज बिल्कुल एकदम से डबल हो गया है पहले से। ब्रेड बनाने के लिए एक टिन ले लेंगे और उसमें घी या तेल लगाकर उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। हम उसमें चारों तरफ ऊपर से अंदर से ढंग से पूरे में ऑयल या घी लगा लेंगे ताकि हमारी जो ब्रेड है उसमें चिपके ना और आसानी से निकल जाए। अब जो हमारा डो है हम उसे बाउल से निकाल लेंगे और जितनी भी उसमें एयर है हम अच्छे से पंच करके उसको एयर को सबको बाहर निकाल लेंगे। उसमें हमें थोड़ी सी भी एयर नहीं छोड़नी है। देखिए हमारे डो में कितनी एयर है, हम इसको अगर दबा रहे हैं तो वो साइड से निकल के आ रही है। हम पंच करके इसकी सारी एयर ढंग से निकाल लेंगे और फिर इस डो को बाहर निकाल कर अब हम इसे स्लेब पर निकाल लेंगे और हाथों की मदद से ही इसको अच्छे से फैला देंगे। हम इसको इतना चौड़ा करेंगे जितना कि हमारा जो ब्रेड बनाने वाला टिन है उसी हिसाब से हम इसे नाप लेंगे और इसे रोल कर लेंगे। हम इसे दबा दबा कर बिल्कुल टाइट से अच्छे से रोल करेंगे ताकि ये हमारा जो ब्रेड है वो अंदर से खुले ना और बहुत अच्छी शेप उसकी आ जाए। हम इसको बहुत टाइट से दबा दबा के कि इसके अंदर बिल्कुल भी एयर ना रहे अच्छे से इसको बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल फोल्ड कर देंगे और कहीं से भी इसको हम इस तरह नहीं छोड़ेंगे कि जो हमारी ये ब्रेड है बेक होने के बाद फट जाए या साइड से उसकी लेयर खुल जाए। देखिए हमने ये बिल्कुल अच्छे से सभी कोने से दबा दिया है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी जो ब्रेड है अच्छी नहीं बनेगी और जगह जगह से फट जाएगी। अब हम इसको जो टिन है उसमें रख देंगे और सेट कर देंगे उसमें से। टिन में रखने के बाद हम इसमें ऊपर से घी या ऑयल लगाकर ब्रश कर देंगे और मैंने इसमें थोड़ा सा वाइट तिल भी डाला है। ये आपकी चॉइस है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तिल डालने के बाद हम इसे दोबारा से रैपिंग पेपर से कवर कर देंगे और 35 से 40 मिनट तक के लिए हम इसे दोबारा से कवर करके रख देंगे। इसका साइज़ फिर से काफ़ी बढ़ जाएगा और ये डबल हो जाएगा। ऊपर से हम इस पे स्टील की प्लेट ढक देंगे जिससे कि इसमें बिल्कुल भी हवा पास ना हो और ये अच्छे से फूल जाए। 45 minutes later. 40 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपनी प्लेट हटाकर देखते हैं। देखिए जो हमारा डो है वो फिर से डबल हो गया है। आप पहले की और अभी की फोटो में देख सकते हैं कि पहले इसका साइज क्या था और अब इसका साइज क्या हो गया है। अब हम इसका रैपिंग पेपर उतार देंगे
ये हमारा डो बिल्कुल कढ़ाई में रखने के लिए रेडी हो गया है। हमारा जो डो है वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बढ़िया तरीके से फूल चुका है। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा दूध लगाएंगे और उसको ब्रश कर देंगे, जिससे कि जो हमारी ब्रेड का कलर काफ़ी अच्छा आता है। हमने पूरे डो में अच्छे से दूध लगा दिया है। अब हम अपनी कढ़ाई प्री हीट करने के लिए रख देते हैं। हम एक बड़े साइज़ की कढ़ाई गैस पर रखेंगे। साइज़ इतना होना चाहिए कि जो हमारी टिन है वो अच्छे से उसमें आ जाए। सबसे पहले हम नमक डालेंगे और उसको फैला देंगे। नमक फैलाने के बाद हम इसमें स्टैंड रखेंगे जिस पे कि हम अपनी टिन रख सकें, और 10 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम में ढक के रख देंगे, जिससे कि हमारी ये है जो कढ़ाई है प्री हीट हो जाए। जो ये मैंने नमक डाला है इसको आप 5 से 6 बार यूज़ कर सकते हैं जब भी आप इसमें बेकिंग करें। हमारी कढ़ाई प्री हीट हो चुकी है। अब हम इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम करके अपना टिन इसमें रख देंगे और इसे 40 से 45 मिनट तक बिल्कुल ढक के रखेंगे। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम इसमें अपनी टिन रख देंगे उसे ढकने के बाद हमें फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देनी है। किसी की कढ़ाई ज़्यादा मोटी भी होती है, किसी की पतली, तो हमें थोड़ा सा 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। देखिए 25 मिनट हो गए हैं। अब हम हमारी ब्रेड देखिए कितनी अच्छी फूल गई है, लेकिन इसमें कलर अभी आया नहीं है, तो हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा और दूध ब्रश कर देंगे। ऊपर से हम थोड़ा दूध लेके ऊपर से पूरा ब्रश कर देंगे। धीरे धीरे करके हम पूरी ब्रेड में दूध लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी ब्रेड है उसका ऊपर से कलर काफ़ी अच्छा आ जाएगा। पूरे में दूध अच्छे से ब्रश हो गया है। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे और 15 मिनट के लिए इसे दोबारा से ढक के रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं। देखिए हमारी जो ब्रेड है वो अच्छे से बेक हो गई है। इसका कलर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रखा है। हम इस ब्रेड को 2-3 घंटे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसे टिन से निकालेंगे, नहीं तो हमारी जो ब्रेड है वो टूट भी सकती है। 2-3 घंटे हो गए हैं, हमारी जो ब्रेड है वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे अच्छे से टैप करके प्लेट में बिल्कुल बढ़िया से टैप करेंगे और फिर इसे हम धीरे धीरे करके निकालेंगे। आप देख सकते हैं हमारी जो ब्रेड है वो कितनी अच्छी बेक हो गई है। देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। हमारी वाइट ब्रेड बिल्कुल बढ़िया तरीके से बेक हो गई है और बहुत ही स्पॉन्जी और परफेक्ट हमारी वाइट ब्रेड बनी है। आप इसको अगर बनाएंगे और फिर दबाकर देखेंगे, देखिए आप कितने बढ़िया तरीके से बेक हुई है। फिर हम अपनी ब्रेड को जो हमारा ब्रेड कटर नाइफ होता है उससे काटेंगे। अगर हम इसे नॉर्मल कटर से काटेंगे तो ये टूट भी सकती है। देखिए आप हमारी ब्रेड कितनी बढ़िया स्पॉन्जी, देखिए कितनी सॉफ्ट ब्रेड बनी है। आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि ये ब्रेड आपको, अगर आपके पास ब्रेड कटर ना हो तो एक तेज़ धार वाले चाकू से धीरे धीरे करके काटना है, जिससे कि ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से कट सके। आप भी ये ब्रेड घर पर बनाइए और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपकी ब्रेड कैसी बनी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल कुक आर्ट विद मीनू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और लास्ट तक मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।